सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराई से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम उस परमपिता ईश्वर, उस परमेश्वर का चिंतन मनन और उसका ध्यान करें। प्रभु की प्राप्ति के विषय में बहुत ही सुंदर बात ऋग्वेद के 7वें मंडल के 7वें सूक्त के दूसरे मंत्र में कही है। और यहाँ पर यदि हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो वास्तव में हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, हम प्रभु की प्राप्ति कर पाते हैं। कहा है कि प्रभु प्राप्ति का मार्ग यह है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। बिना कर्तव्य पालन के संसार में व्यक्ति कभी भी विकसित नहीं हो सकता है, कभी भी पुष्पित पल्लवित नहीं हो सकता है, उसका जीवन सुगंधित सुरभित और आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की पावनी परंपरा का निर्वहन नहीं कर सकता है। इसलिए हम अपने स्वधर्म का, स्वकर्म का, स्वकर्तव्य का पालन यदि करते हैं तो निःसंदेह उस प्रभु तक हम पहुंच जाते हैं, प्रभु की प्राप्ति हमको हो जाती है। द्वितीय सोपान ये है कि मन हमारा प्रसन्न रहे, मन की निर्मलता रहे। मन यदि निर्मल है, मन यदि स्वच्छ है, पवित्र है, शुचिता से युक्त है, तो प्रभु की प्राप्ति अवश्य ही होगी। और तीसरी बात कही है सत्संग। बिना सत्संग के, बिना सत्संगति के, बिना सद्बुद्धि के हमारा जीवन दिव्य भव्य नहीं होगा। इसलिए सज्जनानां संगति सत्संगति कथ्यते। सज्जनों की, बड़ों की जो सात्विक आत्माएं हैं, सात्विक जिनका जीवन है, जो छल कपट से, राग द्वेष से, कलह कपट से दूर हैं और वे निष्काम भाव से, निर्द्वंद भाव से, निरहंकार भाव से, दिव्य स्वभाव से अपने जीवन को चलाते हैं, तो उनकी संगति में रहिए। जो धीर वीर गंभीर हैं, जो नीर क्षीर विवेकी हैं, ऐसे विवेक वैराग्य से युक्त लोगों की संगति करना, यह भी प्रभु प्राप्ति का एक साधन बताया है। और चौथी बात क्या कही है? बल और ज्ञान का संचय भी उस प्रभु की प्राप्ति कराता है। मनोबल, आत्मबल, शरीर बल, बुद्धि बल, ये जो साधन है बल, यदि साधन हमारा दुर्बल है, साधन हमारा यदि यशस्वी नहीं है, तो हम उस प्रभु तक नहीं पहुंच सकते हैं। साधन अच्छा होना चाहिए। बलम उपास से कहा है, बल की उपासना करो। और जो बल की उपासना करता है, दिव्य मनोवृत्ति वाला बनता है, देव वृत्ति वाला बनता है और ऐसे देव पुरुषों की संगति करता है, तो निःसंदेह वह शत्रु शोषक बलों के साथ इस शरीर रूपी पृथ्वी के सानु मस्तिष्क रूप शिखर को समंतात ज्ञान की वाणियों से अनुनादित करने वाला बन जाता है। आगे कहा कि वानस्पतिक पदार्थों से शरीर का पोषण,
अर्थात जो शुद्ध है सात्विक आहार, यदि सात्विक आहार नहीं है तो हमारे विचार भी परिष्कृत नहीं होंगे। हमारे आहार की शुद्धि से ही विचारों की शुद्धि बताई गई है, आहार शुद्धव सत्व शुद्धि। ये आहार की शुद्धि ही हमारी बुद्धि की शुद्धि है, हमारे विचारों की शुद्धि है। इसलिए प्रभु की यदि वांछा करते हैं, प्रभु प्राप्ति की कामना करते हैं, उसके आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं, तो यह अवश्य ही अनिवार्य शर्त है कि हम वनस्पतिक अर्थात जो प्राकृतिक जो नेचुरल है ऐसे प्राकृतिक पदार्थों का ही सेवन करें, उससे शरीर का पोषण करें, हम अपनी धातुओं को पुष्ट करें, यह शरीर बलशाली हो और वैभवशाली जीवन हो, इसके लिए साधन बताए हैं। बहुत ही सुंदर बात कही है, सुख प्राप्ति का मार्ग क्या है। तीसरा मंत्र भी बहुत सुंदर है, तो इस मंत्र को पहले आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम प्राचीनो यज्ञः प्राचीनो यज्ञः सुधितिम हि सुधितम् सुहितम ही बरही ही प्रीणीते प्रीणीते अग्निरीडितो न होता। अग्निरीडितो अग्निरीडितो न होता।
आ मातरा विश्ववारे विश्ववारे हुआनो यतो यविष्ठा जज्जिषे जिसे सुषेवः सुसेवः ऋग्वेद के सातवें मंडल के सातवें सूक्त का यह तीसरा मंत्र है। ओम प्राचीनो यज्ञः सुधितं हि बर्हिः प्रीणीते अग्निरीडतो न होता। आ मातरा विश्ववारे हुवानो यतो यविष्ठा जज्ञिषे सुषेवः। ओम प्राचीनो यज्ञः सुधितं हि बर्हिः प्रणीते अग्निरीडितो न होता। आ मातरा विश्ववारे हुवानो यतो यविष्ठा जज्ञिषे सुषेवः। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा कि हमारे जीवनों में, हमारे इस संपूर्ण जीवन के हर क्षण में यज्ञः श्रेष्ठतम कर्म, प्राचीनः प्र अंचो अर्थात आगे और आगे गति वाला हो, अर्थात जीवन में यज्ञों की वृद्धि होने वाली हो,
कल्याणकारी कर्मों का अनुष्ठान सदा चलता रहे। जीवन में जितने हम यज्ञ बनेंगे, अर्थात यज्ञ से परिपूर्ण हमारा जीवन रहेगा, या जितने हमारे जीवन में यज्ञ वृद्धि होगी या हुई है, निश्चय से बरही वासना शून्य हृदय सुधितम सम्यक स्थापित हुआ है। अग्नि प्रीणीते, वे अग्रणी प्रभो हमारे प्रति प्रीति वाले होते हैं, हम प्रभु की प्रीति के पात्र बनते हैं। और मैं ना जैसे इदितः स्तुति वाला हूँ, उसी प्रकार होता यज्ञों को करने वाला बनता हूँ। स्तुति भी करता हूँ, प्रार्थना उपासना भी करता हूँ और उसका अनुष्ठान भी करता हूँ, अर्थात यज्ञों के को संपन्न करने वाला हूँ, मैं यज्ञों का संपादन करता हूँ। विश्ववारे, सबसे वर्ण करने के योग्य मातरा, द्यावा पृथ्वी को, मस्तिष्क और शरीर को आहुवानः मैं पुकारने वाला होता हूँ, अर्थात मस्तिष्क व शरीर को उत्तम बनाने का प्रयत्न करता हूँ। शरीर और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ होने चाहिए। जब दोनों स्वस्थ होंगे, तन भी स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है, तो निसंदेह यह हमारे सुख प्राप्ति का, अर्थात हमारे जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य का आधार होता है। हे यविष्ठ योमत, हमारी सब बुराइयों को दूर करने वाले तथा अच्छाइयों को हमारे साथ मिलाने वाले प्रभो, ये उपर्युक्त जो बातें हैं, यतः जिनके द्वारा आप सुसेवह हमें उत्तम सुख प्राप्त कराने वाले जज्जिशे होते हैं, आप करुणा निधान हैं, आप कृपालु हैं, आप दयालु हैं, आप न्यायकारी हैं, सर्व हितकारी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं। अपनी इस प्रार्थना से मैं कितना प्रकाशित हो रहा हूँ, कितना प्रभावित हो रहा हूँ, आप मेरी इस प्रार्थना को सुनने वाले हैं प्रभो, तो मेरे अंदर वह सुख का जो आधान इस सारे जहान में सब चाहते हैं कि वो सुखी हों, तो सुख प्राप्ति का साधन इस जीवन में आप प्रभो मुझको प्रेरित करिए, मुझको बताइए। तो ये बात यहाँ पर आती है कि हम यज्ञशील बने यदि प्रभु की प्राप्ति करना चाहते हैं, इस जीवन की सार्थकता हम रखना चाहते हैं, तो इसके लिए परम आवश्यक है कि हम अपने जीवन को उस प्रभु के समर्पित कर दें, उस प्रभु की भक्ति, उस प्रभु के द्वारा दी गई शक्ति जो निरंतर हमको ऊपर उठाती है, हमको कभी पतित नहीं होने देती है। हे पतित पावन, हे प्रभु, आप मुझको जो सच्चा रास्ता है, जो सुपथ है, आप मुझको उसको दिखाइए जिसमें सुख है, समृद्धि है, यश है, कीर्ति है, और किसी भी प्रकार का जहाँ पर कोई जो है रुकावट या थकावट गिरावट का कोई प्रश्न ही ना हो। अगली बात जो कही, प्रभु की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति कैसे हो, तो हम अपने जीवन में यज्ञशील बने, हमेशा यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं, यज्ञ जीवन जी रहे हैं, तो इन सबके मूल में जो भावना है यज्ञ देव पूजा संगतिकरण, तीन जो भावनाएं हैं, तीन जो अर्थ हैं यज्ञ के, तो ये भावना जब व्यक्ति के अंदर स्थापित होगी तभी वास्तव में वह सुखी हो जाएगा और दूसरों को सुख देने के लिए या अपने सुख पाने के लिए जितना व्यक्ति जिम्मेदार होगा, जितना उत्तरदायी होगा व्यक्ति, उतना ही उसका घर परिवार भी सुखी रहेगा। राजा हो, प्रजा हो, गुरु हो, शिष्य हो, सभी इस व्यक्तित्व को, इस कृतित्व को जब आत्मसात कर लेंगे कि मुझको स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी जीना है,
तो हम यज्ञशील बन जाते हैं स्वयं जल करके, जैसे अग्नि में समिधाएं डालते हैं वो जल करके प्रकाश करती हैं, आहुति डालते हैं यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करके, तो वो जल जाते हैं और जल करके कई गुना उसका रूप लेकर के जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो उसको धीरे धीरे करके पूरे वातावरण में उसको फैला देते हैं। तो ये बात कही है कि हम यज्ञशील बने, इसमें आलस प्रमाद ना करें बिल्कुल, और पूरा यह संसार पूरा घर परिवार इसको मिलकर के करें, हृदय को पवित्र बनाए। हम परस्पर जब मिलें तो हृदय में कुटिलता ना हो, या ना भी परस्पर मिलें तो भी जाने अनजाने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये बहुत बड़ा दुर्गुण है। हम अपने से अपनों से छोटी छोटी बातों में ईर्ष्या द्वेष करने लगते हैं। तो ईर्ष्या द्वेष करने से कभी भी हमारा उत्थान नहीं होगा, इसलिए हम अपने आप को यज्ञशील बनाएं, हम प्रगतिशील बनाएं, अपने स्वार्थ जो है में न रह करके सेवार्थ परोपकारार्थ परमारार्थ ऐसे जीवन को जिए, तो हृदय को पवित्र बनाएं। तीसरी बात कही है प्रभु की प्राप्ति के पात्र बने। प्रभु की प्राप्ति इतनी सरल भी नहीं है कि बस तुरंत मिल जाए, वो प्रभु हमारी परीक्षा भी लेता है। तो हम आलंबन तो हमको मिला हुआ है, हम उसको जैसे दो जो है अपने सुख और दुख दो पहलू हैं, तो सुख और दुख में मान अपमान में लाभ हानि में जय पराजय में अपने को संतुलित रह करके जीवन जीना चाहिए। तो यहाँ पर जो बात कही है कि हम प्रभु की प्रीति के पात्र बने, तो इसमें कब प्रीति के पात्र बनेंगे, जब सुख दुख मान अपमान लाभ हानि जय पराजय ये सब सहन करने का सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाएगा। और कहा कि जिसके द्वारा आप सुसेवा हमें उत्तम सुख प्राप्त कराने वाले हो, आप हमको सुख प्राप्त कराइए, और यह केवल एक मंत्र का जो संकेत है कि हम यज्ञशील बने, हृदय को पवित्र रखें, प्रभु की प्राप्ति के पात्र बने, स्तोता व होता बने, स्तुति भी करना है, प्रार्थना उपासना भी करना है, तो स्तोता और होता दोनों बने, मस्तिष्क व शरीर दोनों को उत्तम बनाने का प्रयत्न करें। बहुत सुंदर शरीर है लेकिन स्वस्थ नहीं है तो किसी काम का नहीं है, बहुत शरीर जो है स्वस्थ है लेकिन इंद्रियां स्वस्थ नहीं है तो वो भी हमारे कष्ट का दुख का कारण बन जाता है। हम सुख प्राप्ति के साधन की बात कर रहे हैं, तो सुख जैसा हमारे ऋषियों ने हमारे महापुरुषों ने जिया है, जैसा उन्होंने कहा है वैसा बताने का वैसा समझने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। वेद उपनिषद दर्शन और जो भी रहस्यमयी हमको लगते हैं ग्रंथ हैं तो उनको स्वयं भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं, स्वाध्याय निरंतर करें, स्तोता बने होता बने, मस्तिष्क व शरीर दोनों को उत्तम बनाने का कार्य करें। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।